दरवाजा बंद करने की कोशिश मत करना, नहीं तो यहां से चला जाऊंगा मैं। अगर दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो मैं यहां से चला जाऊंगा। देखो देखो गिलास वहां रख दो, नहीं तो मैं यहां से चला जाऊंगा। देखो सुबह तक सारी खिड़कियां और दरवाजे खुले होने चाहिए, नहीं तो मैं यहां से चला जाऊंगा। हाँ मोहन। किशोर कुमार कैसा है भाई? वैसा ही हूं यार, तू कैसा है? मैं ठीक हूं यार। सुन, कल मैं मुंबई आ रहा हूँ। अचानक? अचानक के बच्चे, कल बर्थडे तेरा। मैं तो भूल ही गया था यार। उस भूत के चक्कर में पता नहीं तू क्या क्या भूलेगा यार। मेरी बात मान, छोड़ यार उस बंगले को, बाहर आ उससे। कैसे छोड़ू? तू तो जानता है यार, बंगला छोड़ा अब तो नौकरी गई। तेरी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, एक तरफ भूत है और दूसरी तरफ तेरा करियर। ना तू करियर को छोड़ेगा ना भूत तेरे को छोड़ेगा। लेकिन तू टेंशन मत ले, कल मिलकर बात करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, चल बाय। बाय। और दिवाली एक साथ मनाएंगे। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू।
लगता है सारा माल इसी कमरे के अंदर है। चांदी हो गई मेरी। आराम से उठूंगा। अरे अंडे हैं। क्या बात है, मसाले भी हैं। अरे यही तो रखा था मैं। अपुन को मार क्यों रही थी? वो तो अपुन यहाँ से जा रहा था, सब खुला देखा, अंदर घुस गया। अपुन को भूख लग रही थी, सोचा कुछ खा लूँ। वैसे गलती तेरी है, समझी क्या? शनि ऐसे कोई खुला रखकर रात को सोता है क्या? ओए गुमनाम जिंदगी, अपुन तेरे से बात कर रहा है। चल ठीक है, अपन चलते हैं। चल भाई जल्दी यहां से कल्टी मार। एक खजूर। खजूर अपने बिरादरी को लगती है? तेरी बिरादरी साले साले एक नंबर बिरादरी के मार्ग। एक बात बता भी ढक्कन, अपन तेरे को दिख रही है क्या? मिस्टर ने घड़ी पहनी क्या तूने? अरे तू बात बात है मारते क्यों है? चल तेरा इलाका जो शाम पत्नी है क्या? बोलना, अपन तेरे को दिख रही है क्या? अरे हाँ मेरी मिस्टर इंडिया। कैसे कैसे मतलब? तू दिख रही है बस। अच्छा कैसी लग रही हूं मैं? कैसी कैसी बोल बोल ना खजूर। ए अपनी सॉलिड रैपचिक। अबे ओ पोपट, मैं कैसी लग रही हूं? तू भी लग रही है पूरी। हाँ हो ही नहीं सकता। ना ना ना, आज तक यहाँ जितने भी लोग आए उनको मैं नहीं दिखी, तुझे कैसे दिख रही हूँ? देख तुझे ज्यादा चढ़ गए क्या? जब तू है तो दिखेगी ना। मैं कैसे दिखूंगी, मैं तो हूं ही नहीं। येड़ा समझ रही है। मैं तो भूत हूं ना। हाँ हाँ मेरी माँ, तू भूत है, मैं भगवान हूं। Oh!
हत्या की रात है। इतने दिनों में जो नहीं हुआ वो आज होगा। अब यकीन हुआ तुझे मैं भूत हूँ? चल अब तू यकीन दिला कि तू भगवान है। गलती हो गई मेरी बाप, मुझे छोड़ दे। माँ नहीं बेढक्कन, मधुबाला। मधुबाला नाम है मेरा। मधुबाला मैडम, भूत मैडम, मुझे छोड़ देना। गलती होगी मेरी माँ, मुझे छोड़ देना, मैं मजाक कर रहा था। मुझे मजाक पसंद नहीं। तो पहले जो बोला था ना, नहीं करता। मुझे छोड़ दो ना माधुरी। माधुरी? माधुरी कौन है रे? माधुरी अपनी आ, तू दूर खड़े ना। माधुरी हमेशा कहती थी तू एक नंबर का कमीना है, तुझे किसी से चुड़ैल ही मारेगी। आ गई मारने के लिए। डर के सारू? अपना डर मत सारू, मैं तुझे नहीं मारूंगी। हा? सच? थैंक यू। मैं चलो। मैंने कहा मैं तुझे नहीं मारूंगी, जाने के लिए नहीं कहा। नहीं मारेगी तो जाने देना। देख देख, अंताक्षरी खेलने का मेरा मूड नहीं है, वैसे मुझे गाने वाले नहीं आते, छोड़ देना। मजाक सूझ रहा है तुझे? हाँ, यहाँ मेरी लगी पड़ी है और तुझे मजाक सूझ रहा है? तू भूत होके तेरी लगी पड़ी है, तो सोच मेरी कितनी लगी होगी। अभी टाइम पास मत कर, मैं जितना कह रही हूँ उतना ध्यान से सुन। चुपचाप बैठ जा, चल बैठ। इस कमरे में मेरी जान है। उस कमरे में तेरी जान है? कोई तोता है क्या? मुझे मजाक पसंद नहीं, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार। एक सवाल पूछूं? पूछ। तू तो भूत है, तेरी जिंदगी कैसे? भूतांगी होगी। देख मैंने पूछा तेरे से बस। प्यार है मेरा, मेरा पहला प्यार। दूसरा तीसरा? देख तुझे मजा पसंद नहीं। किशोर कुमार डरता है मेरे से, उसे तो ये भी नहीं पता मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, कितना ध्यान रखती हूँ उनका। उनके आने के समय गेट खोलती हूँ, दरवाजा भी खोलती हूँ, पानी देती हूँ, लेकिन वो मैं यहाँ से चला जाऊंगा ऐसी धमकी देते हैं मुझे। भूत का धमकी? और तू उसकी धमकी से डरती है? प्यार करती हूँ ना, डरती हूँ कहीं चले ना जाए। वो भी भूत है क्या? नहीं, और होंगे भी नहीं, वो तो तुम्हारे जैसे हैं। तू उसे प्यार करते करके तूने बताया उसको? नहीं नहीं, कहीं मुझे भूत समझकर वो चले गए तो। मधुबाला जी, आपको भूत समझने की जरूरत ही नहीं है, आप भूत ही हैं। तू
तू बताएगा उनको मेरे प्यार के बारे में और भरोसा भी दिलाएगा कि मैं उनको तकलीफ कभी नहीं दूंगी। लेकिन मेरे बात को क्यों मानेगा और मेरा क्या? अगर तू मेरा काम करेगा तो मैं तुझे यहाँ से जिंदा जाने दूंगी, नहीं तो तुझे मार कर तेरे भूत के साथ मस्त टाइम पास अंताक्षरी खेलूंगी। जा, उन्हें बाहर बुला गल्ला। तू जा सकते हैं डायरेक्ट? मैं नहीं जाऊंगी, तू जा। भूत होके अपने प्यार को इच्छे से बुला रहे हैं और एक उन नल्ले चिरकुट कौन? अरे भाई मैं शाहरुख। दरवाजा खोल भाई, मेरी जान तेरे दरवाजा खोलने पर अटकी है भाई, दरवाजा खोल दे। नहीं नहीं, आप सुबह मिलो। अरे भाई सुबह किससे बात करेगा मेरे भाई, दरवाजा खोल नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा भूत बन के। नहीं नहीं, आप सुबह मिलो। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ यार, तो अभी दरवाजा खोल मेरे भाई। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम सुबह मिलो। अरे भाई अभी दरवाजा खोल भाई, अभी दरवाजा खोल। नहीं नहीं नहीं, आप सुबह मिलो। अरे भाई सुबह किससे मिलेगा, अभी दरवाजा खोल, नहीं तो मैं भूत को बुलाता हूँ अंदर आने के लिए। नहीं 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 नहीं, राम 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 राम। देखो जी, मैं आपको अंदर ले रहा हूँ, आपके बाजू में कोई है तो नहीं ना? ना, माधुरी कसम। माधुरी? माधुरी कौन? माधुरी तेरी पर मैं और पूछ रहे हैं कि माधुरी कौन? भाई तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, दरवाजा खोल भाई। खोलता हूँ, खोलता हूँ, खोलता हूँ भाई, दरवाजा खोल। खोलता हूँ। भाई साहब कौन हो आप, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तेरी, तू कौन है और इस भूत बंगले में क्या कर रहा है? देख भूत भूत नहीं चली, मुझे डरा रहे शाहरुख को, डर गया ना शाहरुख। एक बात बता बे, ये के साथ क्या पंगा है तेरा, तूने मारा उसको? नहीं। तो फिर तेरे पीछे क्यों पड़ी है? देख तेरे वजह से मुझे तकलीफ हो रही है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखो जी, पिछले 3 महीनों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, उन्होंने मुझे कभी नहीं सताया, वो तो आज आपके यहाँ आने की वजह से भड़के हैं। वैसे है कौन, लड़का या लड़की? तुझे नहीं पता? नहीं भाई, लड़की है, मधुवाला नाम है उसका, कसम से भाई, राजिक डावे भाई, कसम से सॉलिड भाई। अकेली है क्यों? एक पैक फ्री चाहिए तुझे? अबे भूत है भूत, वो भी तेरे से प्यार करने वाला भूत। हाँ, मेरे से प्यार करने वाला? हाँ हाँ, वो भी मेरे से? कभी बताया नहीं उसने। बताती तो तू ही तेरा करता। देखो आप गाली मत दो। सारू, ए सारू। बोले ना, मैंने तुझे उन्हें बाहर लाने भेजा था या तुझे अंदर रहने? मैं भी अंदर आऊं? नहीं 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 भाई, चलना बाहर भाई, चलना मेरे पाप, चलना। नहीं, सुबह चलते हैं। अरे सुबह नहीं, अभी चलना, एड़े अभी चलना, चलना भाई। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, चल। मैं सुबह आऊंगा, नहीं तो ऐसे चला जाऊंगा।
भाई भाई चलना अभी भाई चलना मेरे बाप, अरेड़े चलना, अगर अंदर आ गए ना तो दोनों को कर देगी, कसम से बोल रहा हूँ। क्या कर देगी? दोनों को मार देगी बेवकूफ। मुझे नहीं मारेगी, मुझे मारना होता तो कब का मार देती। चल आना, मैं भी सुबह आता ना इसके साथ। बाहर आना, देख मैं अकेले बोर हो रही हूँ। मैं नहीं आऊंगा, मैं सुबह आऊंगा, मुझे छोड़ दो ना मेरी माँ। तू कुछ कर ना रे, देख तू कुछ कर, नहीं तो तुझे भी खींचकर बाहर लेकर जाऊंगा, बोल रहा हूँ मैं। देख अभी जो बोला था ना वही बोलते भाई, पैर पड़ रहा, बोलते प्लीज। ए सारू, अरे भाई बोल ना। देखो जी, हम दोनों भी सुबह आते हैं बाहर, नहीं तो हम, मैं यहां से चला जाऊंगा। भाई सुन, भाई सुबह कैसे बाहर निकलेंगे? सुबह का सुबह देखते हैं, अभी तुम जाओ, मुझे सोने दो। नींद आएगी भाई, मुझे सुला देना भाई, भाई भाई मुझे सुला देना भाई, भाई भाई भाई। क्यों डर रहे हो शाहरुख जी? अबे जी के बच्चे, तू डरा कि मैं? कितनी जोर से चिल्लाया, अरे निकल लेता ना मैं अभी। मैंने बोला था ना सुबह नॉर्मल होती है। देखो कहीं दिख रही है? नहीं। भाई मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। नहीं मिला तुझे, और ये भूत बंगला मुबारक हो तुझे। भाई चल, हाथ जोड़ता हूँ, पीछे मत पड़। तू इधर ही रे, मरा, मैं जा रहा हूँ। फिर मिलेंगे शाहरुख जी। नहीं मिलेंगे, तू मरा, संभल के जाओ। किशोर कुमार बचा मुझे, किशोर कुमार। क्या क्या हुआ शाहरुख जी? किशोर कुमार बचा। ये चीटिंग है। तू सुबह नॉर्मल होते है ना, मैंने फिल्मों में देखा है, भूत रात को ही अपना जलवा दिखाता है। मुझे छोड़ देना मेरी माँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे छोड़ दे। किशोर कुमार, क्या हुआ शाहरुख जी? अरे मेरे भाई, मेरे पाप, तू बाहर तो आके बात करना। क्या हुआ बताओ तो। अरे उनसे बदतमीजी से बात नहीं करने का, सॉरी बोल। सॉरी मुझसे नहीं, उनसे।
किशोर भाई, गलती हो गई, सॉरी। कोई बात नहीं, आप जिंदा तो हो ना? अरे भाई अभी तक तो हूँ, मुझे छोड़ दो ना मेरी माँ। अभी नहीं। क्यों? मेरी सारी बातें आप ही उन तक पहुंचाओगे ना? मैं क्या व्हाट्सएप हूँ या एसएमएस हूँ? वो बाहर आएगा तो बात कर लेना। मेरी बातें कोई नहीं सुन सकता, ना ही मुझे कोई देख सकता है। तो नहीं क्यों? मुझे कैसे मालूम? तू रुक, वो अभी काम पर जाने के लिए बाहर निकलेंगे। जाने देना मुझे। देख मुझे जाने दे, देख वो आ गए। मैं चोरी नहीं करूंगा तुम्हारा, आज छोड़ रहा हूँ तेरे सामने। भाई ये पहला भूत है जिसने इंसान को मुर्गा बना दिया है। अच्छा मैं चलता हूँ, आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं घर नहीं आऊंगा, मेरा दोस्त आने वाला है दिल्ली से। मोहन आने वाला है? ए सारू पूछना, मोहन आने वाला है? मोहन आने वाला है? आपको कैसे पता? मुझे नहीं, इसे मालूम है। चलो इसारू, चल आना, बर्थडे विश करते हैं। चलो 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 ना। क्या हुआ? छोड़ो 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 मुझे छोड़ो, नहीं तो मैं वापस नहीं आऊंगा। चलो चलो शाहरुख जी जल्दी चलो, रुकना भाई मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आ जाओ शाहरुख जी, नहीं तो मैं निकल जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। मुझे छोड़ दो ना, मुझे भी जाना है। तू आज की रात रुक, आज की रात किशोर जी का बर्थडे मनाएंगे, आज मैं उनको अपने दिल की सारी बातें बता दूंगी, फिर कल से तू फ्री। लेकिन लेकिन वो तो अपने दोस्त के साथ। उसका टेंशन मत ले, वो मैं देख लूंगी। अच्छा तो उस बंगले में एक भूत है, वो भी एक लड़की है जिसका नाम है मधुबाला, और वो तुझसे प्यार भी करती है। हाउ लकी यू आर किशोर, मतलब मेरा मतलब है कि कोई तो है जो तुझसे प्यार करता है यार, वरना हमें देख अभी तक सिंगल है मोहन। और ये सब बातें तुझे शाहरुख ने बताया राइट, जो कि एक चोर है। हाँ। और कल रात तेरे घर में घुसा था चोरी करने के लिए। हाँ। वो उसे दिखती भी है और उसे बात भी करती है, लेकिन इतने दिनों में ना मुझे दिखी और ना सुनाई दी। आज भी कहाँ दिखती है तुझे? हाँ यार आज भी कहाँ दिखती है मुझे, लेकिन वो तुझे भी जानती है क्या? हाँ। मुझे कैसे जानती है यार? मुझे यार किशोर एक काम करते, आज की रात मैं ना किसी होटल में रुक जाता हूँ ठीक है, और कल सुबह उठ के सीधा दिल्ली। और मेरी बर्थडे की पार्टी? अरे तेरा बर्थडे यार किसी बार में कर लेंगे ना, और सुबह उठ के मैं चला जाऊंगा ठीक है? ठीक है। अरे यार कहाँ फंस गए यार। दीदी मैंने सारा काम कर लिया है, अब जाऊं मैं? ऐसा रुक, फोन लगाना उनको। मेरे पास नंबर नहीं है। 9920349952। तुझे नंबर भी याद है? भूतों के सारी हरकतें पत्नी वाली है।
लगा रहा हूँ। ये ले, बज रहा है। फोन उठा, स्पीकर पे डाल। बोल। हेलो किशोर। हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? अरे मैं शाहरुख बोल रहा हूँ यार। अरे शाहरुख जी, आप घर पहुंच गए? आपको मेरा नंबर किसने दिया? अच्छा चोर हो ना, नंबर भी चुरा लिया। अरे भाई वापस आ जाओ घर पे, सारी तैयारियां हो चुकी है। मैं नहीं आऊंगा, मैंने सुबह ही कहा था कि मेरा दोस्त आया है। दिल्ली से दोस्त आया है। मोहन को लेकर आओ। मोहन को लेकर आओ। मैं नहीं आ रहा हूँ भाई, मैं दिल्ली जा रहा हूँ रिटर्न फ्लाइट से। नहीं आ रहा। डरो मत, कुछ नहीं करूंगी। अरे डरो मत, कुछ नहीं करूंगी। ऐसा नाना बोल रहे हैं। नहीं मैं नहीं आऊंगा। ठीक है फिर, कभी भी मत आना। आज से मैं देखती हूँ तुम इस बंगले में कैसे रहते हो। मुझे पता है, बंगला गया नौकरी गई। आधे घंटे में घर पे आ जाओ। आधे घंटे में घर पे आ जाओ, ऐसा मैडम ने कहा। दीदी एकदम पत्नी वाले स्टाइल में डराया आपने। दीदी मैं भी जाऊं? चुपचाप बैठ। देखना अब दरवाजा अपने आप खुलेगा। लाइव कमेंट्री देखे डरा मत यार, पहले से डरा हुआ हूँ ना। किशोर चलना यार, रिटर्न चलते। तू डर मत, मैं हूँ ना। किशोर शाहरुख। पूछना तेरी गर्लफ्रेंड किधर है। सब करने की क्या जरूरत थी शाहरुख जी? भाई मैंने कुछ नहीं किया, सब भाभी ने किया है। भाभी? भाभी कौन? अरे आप मेरे भैया हो, मधुबाला जी मेरी भाभी है। बर्थडे का बंदोबस्त कैसा लगा? शाहरुख पूछना। हाँ बंदोबस्त कैसा लगा? ये सब करने की क्या जरूरत थी शाहरुख जी? भाई रिश्ता अपनी जगह, 10,000 खर्चा हुआ मेरा। भाई 5,000 दे देना, गरीब चोर हूँ ना भाई, समझा करो। ये सब लाए कहाँ से? बाहर गए थे आप, भाग जाते? भाग जाते, जस्ट डायल से नंबर निकाल कर डिलीवरी आ गई। इसे सब पता है, सब पता है। भाग जाते साला। साला ये भी मुर्गा बनने आ गया। मोहन जी कैसे हो आप? शाहरुख पूछ रहे। पूछ रहा हूँ मोहन कैसे हो। जी कौन तेरा चाचा लगाएगा? पूछ रहा हूँ ना मैं, मोहन जी कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ भाई। बढ़िया रहना, ठीक है। मोहन उठ, चल उठ ना। हे शाहरुख, हे
उठ उठ बे। अरे रुकना यार। क्यों बे, रात को तुझ में हेलन की आत्मा आई थी क्या? अबे नहीं बे, एक आत्मा है ना अपने यहाँ। तुम ऐसे लटक मटक के क्यों डांस कर रहे थे शाहरुख जी? कौन मैं? हाँ हाँ मैं तो कसम से यार कुछ याद नहीं मुझे, कसम से। मधुबाला जी से तुम यहाँ सामने बैठने के लिए बोलो ना, हमें कुछ बात करनी है। रुक देखता हूँ। सामने बैठे है मधुबाला जी से पूछो। सारू रुको भाई, इनको बोल सिर्फ मधुबाला या मधु जी ना बोले। ठीक है। अब भाई भूत को इज्जत रास नहीं आ रही है, तू डायरेक्ट मधु बोल ना, ऐसा उसने कहा है। उनसे पूछो आप क्या। मुझे इनकी आवाज सुनाई देती है। भाई आवाज सुनाई दे रहा है। मधु जी, मधु तुम्हारी मौत अचानक हुई है या फिर तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई हो इसलिए, मतलब तुम भूत हो इसलिए? दोनों। दोनों? तेरा मर्डर हुआ था? मारा गया मुझे बार बार अलग अलग तरीकों से। इस देश के किसी गांव में पैदा हुई मैं, छोटी उम्र में ही माँ बाप ने कुछ पैसों के लिए भेज दिया। घर में चार भाई थे फिर भी मुझे बेचा गया। मार दिया मेरे माँ बाप ने मेरे बचपन को। मेरा पहला कत्ल तब हुआ जब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर वो आदमी मुझे दिल्ली ले गया और उस आदमी ने मुझे खन्ना के घर बेच दिया। जिंदगी भर के लिए मुझे उनके घर के सारे काम करने थे। सब ठीक था, उसी को मैंने अपना नसीब मान लिया। जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे एक रात मालकिन घर पर नहीं थी। मालिक पानी। मधु सुन। जी मालिक। देख मैं तेरे लिए नए कपड़े लाया हूँ। अरे नहीं मालिक, इसकी क्या जरूरत थी, मालकिन ने अभी तो दिलवाए हैं। अरे वो मालकिन ने दिलवाए थे, ये मैं लाया हूँ। अच्छा सुन, ये वाली ना तुझे अभी पहनकर दिखानी है। मालिक अभी? हाँ अभी। ऐसा कर, जा मेरे बाथरूम में चली जा, अच्छे से शावर लेके नहा, उसके बाद पहनकर दिखाना। Thank you.
पी ले। नहीं नहीं मालिक। अरे पी ले। अरे नहीं, नहीं मालिक। पीना? नहीं 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 मेरी बात नहीं मानेगी। अरे अरे उस रात मेरा फिर एक बार खून हुआ, बिना वजह मेरी आत्मा को मारा गया। उसे भी मैं रोक ना पाई। फिर क्या, उसके बाद खन्ना रोज मालकिन के सोने के बाद मेरे कमरे में आता। ये किस्सा काफी महीनों तक चलता रहा। लेकिन एक रात मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उस सुनसान रोड पर मैं जिंदगी के अंधेरे में चली जा रही थी। ओए रुक 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 रुक। अरे बैठ जा। अरे सुन ले। अरे अरे कहाँ जा रही है? भाई मार बहुत बढ़िया है। अरे बुआ। अरे कहाँ जा रहे हैं बुआ? क्या हो भाई साहब, इतनी रात को लड़की का पीछा क्यों कर रहे हो? अरे भाई सीधी तरह से उस लड़की को हमारे हवाले कर दे। हट बाजू में। लड़की चाहिए तुझे? लड़की चाहिए? ए हीरो चलना। सालो तुम जैसे लोगों की वजह से ना दिल्ली बदनाम है, समझे? हाँ यार मोहन वही बोल रहा है। तू रुक, अभी अंकल को फोन लगाता हूँ। अच्छा लगा। तुम लोगों को पता नहीं है डीसीपी वर्मा का बेटा है ये? अबे अभी फोन लगाता हूँ, सारी की सारी पुलिस फोर्स आ जाएगी। अबे रुक। हेलो लगा फोन। हाँ अंकल रुक। अबे रुक लड़की लेके जा। रुक किशोर, आज तो अकल और हिम्मत दोनों आ गए तुझमें। वाह भाई वाह। डरो मत, वो चले गए हैं। वैसे कहाँ जाना है आपको? इतनी रात को आप अकेली हैं? कुंगी हो? नाम क्या है तुम्हारा? मधु। मतलब गुंगी नहीं हो? वैसे मैं मोहन और ये है किशोर।
जो पहली ट्रेन मिली उसमें मैं बैठ गई। इत्तेफाक से वो ट्रेन मुंबई आने वाली थी, फिर आगरा स्टेशन पर मेरी मुलाकात सोनिया दीदी से हुई। ओ मैडम, ये मेरी सीट है। सामान रखने के लिए जगह चाहिए। वैसे जा कहाँ रही है तू? जहाँ ये ट्रेन जाएगी। अच्छा, मुंबई? मुंबई। तो मुंबई में कोई जान पहचान का है क्या? ऐसे ही धक्के खाने जा रही है तू? छोड़ चल। सोनिया दीदी बहुत बात करती थी। उन्होंने मुझे अपनी प्यारी प्यारी बातों में ऐसे उलझाया कि वो मुझे अपनी सी लगने लगी। सारी हकीकत बता दी। ऐसे ही होता है, तेरी और मेरी कहानी में कोई ज्यादा फर्क नहीं। तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। तू मुंबई में ही रहना, मेरी खोली में। काम मिल जाएगा ना मुझे? काम मिल गया समझ, तू वही कर जो मैं करती हूँ। आप क्या करती हैं? आप नहीं, तू। मैं पारगल हूँ। फिर भी मैं खामोश रही। जीवन में किसी को जिंदगी बनाने का सोचा था, वो मेरे सामने खड़ा था, लेकिन फिर भी मैं खामोश रही। और आज जब प्यार का इजहार किया है तो मैं एक आत्मा हूं, लेकिन किशोर से प्यार उस शरीर ने नहीं किया था जो मर चुका है, बल्कि इस आत्मा ने किया है जो मरकर भी जिंदा है। और तुम चाहती हो मैं इससे भी मुक्त हो जाऊं और फिर किसी रूप में धरती पर आकर ऐसी नरक की जिंदगी जीऊं? नहीं, मैं अपने प्यार के साथ आत्मा बनकर ही रहूंगी। मधु, तू अपने कातिल को सजा नहीं दिलाएगी? नहीं, मैं अपने प्यार के साथ आत्मा बन कर ही रहूंगी। रुक, पहले हाथ तो साफ करने दे, फिर पुलिस में जाते हैं। उससे तुम्हें क्या मिलेगा? मतलब? इसे जेल भेजकर तुम्हें क्या मिलेगा? हमें कुछ नहीं चाहिए मधु, तुम्हारी मुक्ति के सिवा। नहीं, मुझे मारकर इसने जो पैसे कमाए हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मधु प्लीज। किशोर जी, आपको तो पता भी नहीं था कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। और अगर आप प्यार करते थे तो आपने भी तो कभी नहीं कहा। उस रात सब इतना अचानक हुआ था कि प्यार तो ऐसे ही होता है, हवा के झोंके की तरह आता है अचानक। उसे अपने सांसों में समा लेना चाहिए मेरे जैसे, नहीं तो वो उड़ जाता है आपके जैसे। काश उस रात मैं तुम्हें रोक लेता। तुम्हारे साथ बचपन से जो भी हुआ वो सही नहीं था,
लेकिन दुनिया की गलतियों की सजा खुद को मत दो प्लीज। नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मैंने फोन किया था, पैसे थोड़ी देर में आ जाएंगे। पता नहीं कहां आके फंस गया है ये। चुप, बैठ बैठ बैठ, चुप बैठ, मुंह अदरक। डार्लिंग, डार्लिंग क्या हुआ? अच्छा, तूने प्लान बनाया था मेरे मधु को मारने का? और अरे, उसको क्यों मार रहे हो? संजय, डार्लिंग, छोड़ दो उसको। संजय डार्लिंग, ये क्यों मार रहे हैं मुझे? छोड़ो ना उसको, वो पैसे लेके आई है ना, प्लीज मत मारो उसको। अच्छा, पैसे कहाँ है? पैसे पैसे लाई हूँ मैं गाड़ी में। गाड़ी में दिखा, चल 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 चल। मधु, तेरे मुताबिक इन लोगों ने पैसे दे दी, अब मार इन सालों को। नहीं, पैसे मिल गए, अब जाने दो इनको। मधु, अब ये पैसे तेरे किस काम के हैं? मार इन कुत्तों को। मेरे तो नहीं, लेकिन तुम लोगों के काम जरूर आएंगे। किशोर जी का मुंबई में बिजनेस करने का सपना पूरा होगा इससे। मोहन का भी कोई ना कोई सपना होगा। और दीदी, अब तू भी बाल लाइन छोड़कर कुछ अच्छा काम कर सकती है। शाहरुख को भी अब चोरी करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मधु, तुम्हें मुक्त नहीं होना है? नहीं, मैंने पहले ही कहा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। अरे अरे भाई, इन दोनों को जाने नहीं देंगे, और मिलकर फोड़ते हैं। तुम दोनों जाओ। चलो चलो चलो, जल्दी बैठो। हेलो मिस्टर जिग्नेश। नमस्ते जेसिका जी। ओ प्रताप, प्रताप हाँ, उर्फ संजय। राधिका जी नमस्ते। हेलो किशोर कुमार। तेरे मेहमान है भाई मेरे साथ। हाँ, लेके जा रहा हूँ ससुराल मुंबई। थैंक यू सर। आइए। क्या रे अन्ना, जो मेरे तो मेरी मुश्किलें भी आसान है। तुझसे मिलूं हर जन्म में, यही दिल का मेरे अरमां है। तेरे साथ बीते हैं पल जो, उस पल को फिर मैं बुला लूं।
तेरे साए से यूं लिपट कर तुझे अपना मैं बना लूं। तेरे बिना अधूरा मैं, तेरे बिना हूं तन्हा। साथ हूं मैं तेरे छोटा चाहे जहां। आज मैं मेरे प्यार के साथ मर कर भी जिंदा हूं। क्यों खामोश है जुबान, हाले दिल करो बयां। अब तो है हो गई खामोशी की इंतहा। क्यों खामोश है जुबान, हाले दिल करो बयां। अब तो है हो गई खामोशी के इंतहा। बस इतनी सी इल्तिजा, बन के बादल बरसो, कर दो मुझको तेरे ही सजदे कर। तू ही है दिल की दुआ। क्यों खामोश है जुबान, हाले दिल करो बयां। अब तो है हो गई खामोशी के इंतहा। लम्हों को बहका रही है एहसासों की ये खलिश भी, तेरे पास यूं ला रही है। कुछ अनकही सी बातें भी लम्हों को बहका रही है एहसासों की ये खलिश भी, तेरे पास यूं ला रही है। जीना है मरना है, क्यों खामोश है जुबान, हाले दिल करो बयां। अब तो है हो गई खामोश।